एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के बजे इसमें 6:30 और एकदम मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोग से बातें करूं। सच में पूरा दिन बीत गया था, वीडियो नहीं बन पा रहा था। ये देखिए मेरा हुआ कि यहाँ पे सेट हो गया अच्छे तरीके से। ये मेरा कपड़ा है जो किचन साफ़ करने को, और ये अच्छे से सेट हो गया है मेरा आरू बहुत अच्छे तरीके से। जो मैं चाहती थी वहाँ पर इतनी कंजेशन हो रही थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी, आरू के बगल में मैं रख के वीडियो बनाती थी। तो चलिए, आज एक चीज़ और सरप्राइज आया है तो आप लोग को दिखाना ही है, अभी देखते हैं। मेरे यहाँ इसमें शाम के 7 बज रहे हैं, गेस्ट भी जो बगल में यहाँ पे मेरे रिलेशन है, ऐसे रिश्ते बने हुए हैं जो वो हैं आ गए हैं, उनकी वाइफ भी आई। बहुत हल्ला हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है ना, सच में बहुत हल्ला हो रहा है। और काफ़ी खुशियाँ बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे नहीं एक होता खुशी होती है, वो चीज़ें जो काफ़ी दिनों से मुझे इंतज़ार था। और मैं उस चीज़ों का बहुत ही बापू मेरा बहुत हल्ला मचा रहा है। और जानते हैं अभी सामान घर में नहीं रखा है ना, इसलिए सो होता नहीं कि जैसे खाली घर रहता है तो क्या होता है, आवाज़ करता है, घुसता है आवाज़, वही चीज़ हो रहा है सेम टू सेम। और मैं देखिए एकदम चेहरे पे कोई मेकअप नहीं, एकदम इस समय गर्मी हो रही, पसीना हो रहा है, और पूरे बस अपने गृहस्थी को एडजस्ट करने में लग गई हूँ। जो एक होता है गृहिणी का काम अच्छे तरीके से करने वाला, वो चीज़ें बस उसी में मैं लग गई हूँ कि अपने काम मुझे कैसे करना है, कैसे सेट करूँ, क्या करूँ। पर हाँ बोलो बेटा, ठीक है रख दीजिए, जाइए, ठीक है ठीक है। वैसे मैं बहुत कुछ सोची थी कि मैं करके तब आप लोग के साथ पूरा सरप्राइज करूँगी। जो मेरा पर्दा था, घर का कॉटन वगैरह ये सब था, खिड़की तो हो सकता है लग जाए, बाहर की कुछ चीज़ें काम बाकी थे, ये सब सोची थी मैं पूरे अच्छे तरीके से हो जाए तभी आप लोग के साथ शेयर करूँ, बट नहीं हुआ। और बस लॉकडाउन ने सब फंसा दिया, और कुछ हमारे हैंगर वगैरह थे, ये सब चीज़ें जो मैं किचन में अपनी चाह रही थी कर डालूँगी, वो सब भी कुछ नहीं हुआ। बस घर मिल गए, घर में आ गए घुस गए, और बनने को तो ये काफ़ी दिन से का 1.5 साल से मेरा घर बन रहा था, स्टार्टिंग था तो ठीक है, पे होके हो रहा था। ठीक है, लोग को ठेकेदार वाले लोग को जानते ही आप लोग कितना समय बिता देते हैं, कब तक झिलाते हैं, तो उसी हिसाब से मेरा काम हो रहा था। मैं उधर साइड में नहीं जा रही हूँ क्योंकि एक भैया जी आए हैं, वही बगल का जो मैं बोल रही हूँ, वो आके बैठे हैं, पापा उनसे बात कर रहे हैं, आवाज़ें आप लोग को आ रही होंगी तो इसको इग्नोर करिएगा, मेरी बातों को केयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। और यही सब था, तो मैं आज कुछ और सरप्राइज लेके आ गई मार्केट से। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में, बस उसे लाने के बाद मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी सफाई की, उसे धोने से बहुत मेहनत के साथ की, और वो हमें लगता है मेरा आ गया था। हाँ, मैं दोपहर में गई थी 12:30 बजे करीब, और ले आया वो ठेले वाले भैया लेके आते हैं टाली पे, तो वो लेके वहाँ से हम लोग मैंने उस पर करवा दिए थे, उस चीज़ पे लदवा दिए थे, ट्रॉली जो होती है ट्रॉली पे लद चुकी थी, बट थोड़ा सा धीमे धीमे चला रहे थे जो एजेंट थे ट्रॉली चलाने वाले भैया, तो वो धीमे धीमे लेके आए हैं। तो उनको लग रहा कि कितना टाइम लग गया उनको आते में। हाँ, हम लोग 2 बजे करीब 2:30 बजे करीब उन ले लिए थे, लेकिन उनको आते आते 3:30 बज गया, जो कि बहुत दूरी नहीं थी, आधे घंटे का रास्ता था, 3:30 बज गया 3:30 बजे आया। उसके बाद मेरा फ्रिज सेट हो गया, मेरा फ्रिज जो निकल गया मुँह से सरप्राइज, तो हम लोग लेके आए। वो उसे था कि होता है ना कि फ्रिज आता है तो उसे हम लोग लगाने के 3-4 घंटे छोड़ देते थे, हाँ 3 बजे से मेरा ऐसे ही चल रहा था, उसमें कुछ नहीं किए थे, साफ करके दिए थे। अब इस समय चल रही हूँ बॉटल का पानी वगैरह रखने, क्योंकि आरओ का जो पानी आ रहा है वहाँ पे तो हम लोग नॉर्मल पानी पी ले रहे थे, बट यहाँ जो आरओ का पानी है टंकी सो रहा है, इसमें धूप इतनी ज़्यादा है कि उससे पानी गर्म गर्म बहुत ज़्यादा आ रहा, जैसे पिला नहीं रहा, पर प्रॉब्लम हो जा रही है। तो यही था, इसीलिए तो आज मेरा फ्रिज आ गया जो आप लोग के लिए सरप्राइज है। और जो मेरा वहाँ का फ्रिज था मैं आप लोग को दिखाई थी थोड़ा सा, आप लोग देखे ही थे ही थे, बस बहुत छोटा था, वो 100 लीटर का था, ये 270 का, हाँ 70 का है, हाँ इतने का ही है। तो
काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिरा। उसे भी मिली, मेरी पुरानी वाली ग्रे कलर की थी, इसलिए मम्मी पापा बोले इस बार ग्रे कलर मत देना, इस बार रेड मैरून में लेना। तो मैं डबल डोर का ली, वो सिंगल डोर का था, छोटा था, वो दिक्कत होती थी तो वो तो काफ़ी दिन से फ्रिज की दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि न्यू घर हो जाएगा उसी में हम लोग लेंगे न्यू सामान, न्यू सामान, इसीलिए नहीं ले रहे थे। तो चलिए आप लोग को सरप्राइज़ पहले दिखा देते हैं क्या है सरप्राइज़ बैक करके आप लोग को। तो गाइस देखिए मेरा ये फ्रिज जो है आ गया है, जो मैं बोल रही थी ट्रॉली पे लद के आ रहा है, ये और वो जो ट्रॉली वाले भैया हैं वो दोनों लोग लेके आ रहे हैं। अभी इसे ओपन अंदर ला के करेंगे, फिर ओपन करते हुए मैं आप लोग को दिखाऊंगी तो मेरा फ्रिज कैसा लगा आप लोग को। आप लोग आई होप अच्छा लगा होगा, और आप लोग इस पर कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगा, और मेरा वीडियो भी कैसा है उसको भी बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फटाफट ओपन हो रहा है, इसे ओपन करके अभी इसे 3-4 से 5 घंटे में लगा के छोड़ दूँगी, जिससे ये पूरा कूल हो जाएगा, उसके बाद ही मैं इसमें सामान रखना स्टार्ट करूँगी। बट अभी इसे खोल के एक साइड में जहाँ पे मेरा किचन वहीं पे लग रहा है, तो आप लोग को दिखाई दी हूँ किचन में ही है। देखिए ये निकल गया, ओपन होते हुए भी आप लोग को दिखा दी, नहीं तो हो सकता आप लोग बोलते नहीं ये फ्रॉड है, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं, बट मेरे साथ ऐसी अभी कमेंट नहीं आते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग के साथ ये रिस्पॉन्स। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है, इंजॉय करिए आप लोग। यहाँ पे देखिए ये सब पन्नियाँ, उसके जो से ढका हुआ था उसे निकाल दिया गया, अभी इसे सेट किया जाएगा किचन में, तो आप लोग भी से देखिए और कैसा। हाँ मम्मी और पापा खड़े हैं, ये भी हैं फ्रिज को ले जा रहे हैं उस भैया के साथ, यहाँ बाबू देख रहा है, क्योंकि बाबू बोला था मम्मी येलो कलर में लाना मुझे फ्रिज, लेकिन उसे नहीं मालूम येलो नहीं मिलता है तो, बट वो बोला, हम बोले हाँ बेटा ये कलर का नहीं मम्मा ये तो रेड है मैरून है तो बच्चे सारी चीज़ जानते हैं। तो चलिए देखिए तो गैस मैं यही सब था, मेरा कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट था ले आना, और लेके आ गई भी गई और शॉपिंग भी हो गया, और मैं कैसी हो चुकी हूँ, एकदम टाइम नहीं मिल रहा। मेरे यहाँ इसमें शाम के 7 बज रहे हैं, गेस्ट भी जो बगल में यहाँ पे मेरे रिलेशन है, ऐसे रिश्ते बने हुए हैं जो वो हैं आ गए हैं, उनकी वाइफ भी आई, बहुत हल्ला हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है ना, सच में बहुत हल्ला हो रहा है, और काफ़ी खुशियाँ बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे नहीं एक होता खुशी होती है, वो चीज़ें जो काफ़ी दिनों से मुझे इंतज़ार था, और मैं उस चीज़ों का बहुत ही बापू मेरा बहुत हल्ला मचा रहा है। और जानते हैं अभी सामान घर में नहीं रखा है ना, इसलिए सो होता नहीं कि जैसे खाली घर रहता है तो क्या होता है आवाज़ करता है, घुसता है आवाज़, वही चीज़ हो रहा है सेंटू में। और मैं देखिए एकदम चेहरे पे कोई मेकअप नहीं, एकदम इससे मैं गर्मी हो रही, पसीना हो रहा है, और पूरे बस अपने गृहस्थी को एडजस्ट करने में लग गई हूँ, जो एक होता है गृहिणी का काम अच्छे तरीके से करने वाला, वो चीज़ें बस बस उसी में मैं लग गई हूँ कि अपने काम मुझे कैसे करना है, कैसे सेट करूँ, क्या करूँ। पर हाँ बोलो बेटा, ठीक है रख दीजिए, जाइए, ठीक है ठीक है। वैसे मैं बहुत कुछ सोची थी कि मैं करके तब आप लोग के साथ पूरा सरप्राइज करूँगी, जो मेरा पर्दा था, घर का कॉटन वगैरह ये सब था, खिड़की तो हो सकता है लग जाए, बाहर की कुछ चीज़ें काम बाकी थे, ये सब सोची थी मैं पूरे अच्छे तरीके से हो जाए तभी आप लोग के साथ शेयर करूँ, बट नहीं हुआ, और बस लॉकडाउन ने सब फंसा दिया। और कुछ हमारे हैंगर वगैरह थे, ये सब चीज़ें जो मैं किचन में अपने चाह रही थी कर डालूँगी, वो सब भी कुछ नहीं हुआ, बस घर मिल गए, घर में आ गए घुस गए, और बनने को तो ये काफ़ी दिन से का एक 1.5 साल से मेरा घर बन रहा था, स्टार्टिंग था, तो ठीके पे होके हो रहा था, ठीके लोग को ठेकेदार वाले लोग को जानते ही आप लोग कितना समय बिता देते हैं, कब तक झिलाते हैं, तो उसी हिसाब से मेरा काम हो रहा था। मैं उधर साइड भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि एक भैया जी आए हैं, वही बगल का जो मैं बोल रही हूँ, वो आके बैठे हैं, पापा उनसे बात कर रहे हैं, आवाज़ें आप लोग को आ रही होंगी तो इसको इग्नोर करिएगा, मेरी बातों को केयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, और यही सब था। तो मैं आज कुछ और सरप्राइज़ लेके आ गई मार्केट से,
इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में, बस उसे लाने के बाद मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी सफाई की, उसे धुले से बहुत मेहनत के साथ की। वो हमें लगता है मेरा आ गया था। हाँ, मैं दोपहर में गई थी 12:30 बजे करीब, और ले आया वो ठेले वाले भैया लेके आते हैं टाली पे, तो वो लेके वहाँ से हम मैंने उस पर करवा दिए थे, उस चीज़ पे लदवा दिए थे, ट्रॉली जो होती है ट्रॉली पे लद दे चुकी थी, बट थोड़ा सा धीमे धीमे चला रहे थे जो एजेंट थे टाली चलाने वाले भैया, तो वो धीमे धीमे लेके आए हैं। तो उनको लग रहा कि कितना टाइम लग गया उनको आते में। हाँ, हम लोग 2 बजे करीब 2:30 बजे करीब उनको ले लिए थे, लेकिन उनको आते आते 3:30 बज गया, साढ़े, जो कि बहुत दूरी नहीं थी, आधे घंटे का रास्ता था, 3:30 बज गया, 3:30 बजे आया। उसके बाद मेरा फ्रिज सेट हो गया, मेरा फ्रिज जो निकल गया मुँह से सरप्राइज, तो हम लोग लेके आए। वो उससे था कि होता है ना कि फ्रिज आता है तो उसे हम लोग लगाने के 3-4 घंटे छोड़ देते थे। हाँ, 3 बजे से मेरा ऐसे ही चल रहा था, उसमें कोशिश किए थे, साफ करके दिए थे। अब इस समय चल रही हूँ बॉटल का पानी वगैरह रखने, क्योंकि आर ओ का जो पानी हमारा है वहाँ पे तो हम लोग नॉर्मल पानी पी ले रहे थे, बट यहाँ जो आर ओ का पानी है टंकी सो रहा है, इस समय धूप इतनी ज़्यादा है कि उससे पानी गर्म गर्म बहुत ज़्यादा आ रहा, जैसे पिला नहीं रहा, पर प्रॉब्लम हो जा रही है। तो यही था, इसीलिए तो आज मेरा फ्रिज आ गया, जो आप लोग के लिए सरप्राइज है। और जो मेरा वहाँ का फ्रिज था, मैं आप लोग को दिखाई थी थोड़ा सा, आप लोग देखे ही थे, बस बहुत छोटा था वो, 100 लीटर का था, ये 270 का, हाँ 70 का है, हाँ इतने का ही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिला, उसी भी मिली, मेरी पुरानी वाली ग्रे कलर की थी, इसलिए मम्मी पापा बोले इस बार ग्रे कलर मत देना, इस बार रेड मैरून में लेना। तो मैं डबल डोर का ली, वो सिंगल डोर का था, छोटा था, वो दिक्कत होती थी। जो मैं बॉटल पहले से खरीद के 6 पीस का रखी थी, 2 पीस वहाँ मैं यूज करती थी, तो वहीं पे अभी छोड़ती हूँ, उस वाले फ्रिज में है। और 4 पीस मैं न्यू ही रखी थी, मुझे लग रहा है मैं पिछली बार ली थी, वैसे ही लेके बेड में अपने डाल दी थी। तो 4 पीस अभी है मेरा जो मैं दिखा रही हूँ, न्यू पड़ा था, जो मैं यूज नहीं की थी, ऐसे अभी बॉक्स इसका सब फाड़ के, इसका पैकेट हटा के मैं इसमें अभी पानी आर ओ से अपने भरी हूँ, भर के अब चली हूँ फ्रिज में रखने। आप लोग को दिखाती हूँ, इंजॉय भी करिए कितना अच्छा लगे। बस मैं उसमें अपना क्या रखी हूँ, क्योंकि सामने उधर भैया जी और पापा बैठे हैं, इसलिए मुझे सर पे दुपट्टा रखना है। और चलिए मैं रखती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ फ्रिज में। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं अपने फ्रिज में पानी का बॉटल भर के रख दे रही हूँ, बट बहुत थोड़ा सा रखूँगी, 4 ही बॉटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पीना, ठंडा नॉर्मल पानी सबको पीना है। पानी तो मैं रख दी, बट अब चली हूँ सब्जियाँ रख देने, क्योंकि सब्जी भी बाहर पूरी बैठ के सूख रही है। देखिए नीचे मैं सब्जी वो सब रखी हूँ, वो सब्जी मेरी सूख रही है, तो चलती हूँ और सब्जियों को भी एडजस्ट कर देती हूँ धीरे धीरे। आप लोग भी देखते रहिए, इन्जॉय करते रहिए।